अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कैसे हो मुजम्मिल? एहसन, कैसे हो बेटा? कोमल, आवाज नहीं आ रही है। सबको आवाज आ रही है बेटा? कोमल, आवाज आ रही है? यस सर। चलो बच्चों, बस 2 मिनट में हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है ना? कुछ थोड़ी सी पहले मैं बातें करूंगा स्टार्टिंग में, ताकि हम ओवरकम कर सकें कि किस क्या वजूहात हुई थी जिनकी वजह से हम अपने पेपर में, क्यूएम के पेपर में जो है, हम वो ड्रॉप हो चुके हैं। क्या रीजंस थे जिनकी वजह से हमारा पेपर रुका है? ऑल्दो हमारे मुताबिक हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, ऐसा ही था ना? हमारे लिहाज से हमारा क्यूएम का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है वो सर 2-2 मार्क्स से, 5 मार्क्स से, कोई 4 मार्क्स से, ऐसे ऐसे रह गए, ऐसा ही है। सबा वालेकुम अस्सलाम। यस सर, 47। तो मुजम्मिल, ऐसा क्या हुआ था कि 47 पर रुक गया? वो मैं बताऊंगा। कोई बच्चा आएगा, सर 49 पर रुक गया मेरा, तो ये मसले क्या है? क्या पढ़ा सही नहीं? नहीं सर, पढ़ा भी सही है। मेहनत मेहनत नहीं की? मेहनत भी करी है सर हमने, तभी तो 47 आए। ऐसी थोड़ी है ये, आई कैप में 10 नंबर लेना बड़ी बात है भाई, 47 आ रहे हैं बहुत बड़ी बात है। तो फिर सर ये मसला क्या हो गया? हमारा पेपर क्यों पास नहीं हुआ? अभी बात करते हैं उसके बारे में। आंसर ठीक नहीं आ रहे थे? आंसर क्यों ठीक नहीं आ रहे थे मुजम्मिल? वो वजह भी बताऊंगा मैं अभी। क्लास का डेकोरम पूरा हो जाए तो बस स्टार्ट करते हैं हम क्लास को अपनी। जो मैंने रिफ्रेशर वाला ग्रुप बनाया हुआ, कोई बच्चा उस पर टेक्स्ट कर दो, बोलो भाई क्लास ज्वाइन करो यार, ताकि क्लास का टाइम हमारा वेस्ट ना हो। कोई बच्चा मैसेज कर दो। बिल्कुल सबा बेटा, आप बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह जो है वो क्या कहते हैं, करते हैं सेटअप ना इस बात का। बेफिक्र रहो बच्चे, बस मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, वो फॉलो करते रहो। बाकी जो है अपनी मेहनत पूरी रखो, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। सही है शाबर। हाय मारो, कैसी हैं आप? प्रकट हो गई आप इस क्लास में? चलो भाई, मैं क्लास को अपनी स्टार्ट करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल। अच्छा बच्चों, पहले मैं कुछ बातें करता हूं, वो बातें जरा सुननी है। जबरदस्त। अच्छा बातें क्या थी भाई? वो बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सर फेलियर का रीजन क्या था? फेलियर का रीजन क्या था? हम जो पेपर में रुक गए उसका सर रीजन क्या होता है? सर उसके बहुत सारे रीजन होते हैं और हर बंदे की एबिलिटी के हिसाब से होते हैं। पहला कॉमन रीजन, सर मुझसे टाइम मैनेज नहीं हुआ। कुछ बच्चे आते हैं बोलते हैं सर पेपर बहुत लेंदी था, मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो सका। फिर एक बच्चे से आएगा बोलेगा सर मुझसे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ। ये मोटो ई किसका नाम है भाई? ये अपने बराए मेहरबानी जो अम्मी अब्बू ने नाम रखा था उसका नाम, उस नाम से क्लास में आए, वो बड़ा अच्छा नाम है, मोटो E4। ठीक है दोस्तों,
सर फिर एक रीजन ये आता है, ये वाला ये पढ़ रहे हो, ये थर्ड थर्ड पॉइंट, एग्जामिनर कमेंट्स उठा के देखना, सब बोलेंगे सर सेलेक्टिव स्टडीज जो है स्टूडेंट करके आता है पेपर रुक जाता है, सेलेक्टिव स्टडी सर फाइनेंशियल मैथ्स कर लूंगा, स्टेट्स में दो तीन चार टॉपिक कर लूंगा, डेरिवेटिव्स कर लूंगा, मैट्रिसेस कर लूंगा, पेपर हो जाएगा। अरे भाई ये किया है जबी तो 47 आए हैं, ये किया है जबी तो 49 पर रुक गया। क्या ये आप ये टॉपिक जो है क्या ये 100% टॉपिक्स हैं आपके? नहीं सर ये 100% टॉपिक्स नहीं है, ये तो चार पांच टॉपिक्स हैं। तो फड्डा किस बात को हो गया कि सर ये जो 49 या 47 आ गई इसी वजह से तो आए सर, सिलेक्टिव स्टडी करके गए थे। हमने अपने सीनियर से पूछा था, एक ने बोला था मेरे पास एफएम इतने मार्क्स का आया था, मैंने एफएम पक्का कर लिया, दूसरे से पूछा उसने बोला डेरिवेटिव इतने मार्क्स का आया था, मैं वो भी करके चला गया, मैट्रिसेस जो है वो तफरी तफरी में हो गया था। तो जब ही तो बेटा इतने मार्जिन से रुक गए कि सर सेलेक्टिव स्टडी करी हमने, हमने वो पूरा कोर्स देखा ही नहीं उसका। फिर एक और सर, जब प्रेशर आ रहा होता है इंसान के ऊपर तो इंसान का जहन ना ब्लैकआउट हो जाता है, आती हुई चीज गायब। तो बेटा ये कुछ रीजंस हैं, कॉमन रीजंस हैं जो हर बच्चे के साथ आते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं कि सर इन रीजंस को ओवरकम कैसे किया जाए, क्योंकि ये सारे रीजंस आपके हर पेपर में आएगा, कैफ के सारे पेपर्स में आएगा, एएफसी में तो आ चुका, तो इन रीजन से ओवरकम किस तरह किया जाए ये भी जरा सुन लो। फिर ये कॉपी तो नहीं कर रहा कोई? अरे फोन चार्ज करके लाना पड़ेगा, हाँ भाई। तो सर इस इन रीजंस को ओवरकम किस तरह से किया जाए, ओवरकम इन रीजन को किस तरीके से किया जाए? सबसे पहली चीज जो टाइम मैनेजमेंट का केस था, टाइम मैनेजमेंट का केस था दोस्तों, एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है आपको पता है? हाँ भाई, एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है? टोटल 3 आवर्स का पेपर है तो 180 मिनट्स, कितने जो है क्या कहते हैं आपके पास मार्क्स का पेपर है 100 मार्क्स का, तो बच्चों कुछ 1.8 मिनट्स आपके पास बचते हैं पर मार्क के, पर मार्क 1.8 मिनट्स पर मार्क आपको लेके चलना है, अदरवाइज 1 मार्क्स गेन करने के लिए आपको 1.8 मार्क्स 8 मिनट से ज्यादा नहीं लेना। कम ले रहे हो तब भी मसले वाली बात है, ज्यादा ले रहे हो तब भी मसले वाली बात है, समझ रहे हो बात को? तो सर सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट। या सर हमारा आईटी का पेपर रुक गया, क्या करूं मैं भाई? आईटी के पेपर में इसी वजह से रुक गया ना, वो 2 मार्क्स का एमसीक्यूज था, 3 साढ़े 3 मिनट आपको लगने थे, आपने उसको चेक करने में लग गए, वर्ड खोल लिया, ये खोल लिया, वो खोल लिया, वो खोल लिया, 5 मिनट में 2 मार्क्स लेके आ रहे हो, 5 मिनट में 2 मार्क्स लेके आ रहे हो, तो अगले 2 एमसीक्यूज गए भाई, अगले 2 एमसीक्यूज गए। अब 46 में से 25 ले लें, बात समझ में आ रही है? कि हमने जो है वो टाइम ज्यादा लगा दिया तो टाइम गया अगले एमसीक्यूज का भाई, अब पासिंग रेशियो ज्यादा बढ़ गया है। सेकेंड चीज सर, प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, प्रेशर बहुत आ गया सर, मैं मुझे डर लग रहा था कि सैम्पलिंग की थ्योरी ना है, पहला एमसीक्यू सैम्पलिंग का थ्योरी का आ गया, पहला एमसीक्यू, क्या करूं मैं सर? दूसरा खोला, दूसरा डेरिवेटिव्स का आ गया, डेरिवेटिव्स का सर छोड़ के गया था मैं, तीसरा खोला, तीसरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, स्टॉप, लो भाई लग गई टांगे सच्चे, अब क्या किया जाए?
तो बेटा इस केस के अंदर आप ये करेंगे कि आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ये का झंडे का, ऐसा याद आया? ये फ्लैग का ऑप्शन था पेपर में, गायब हो गया था। ले भाई इसका इसका गायब हो गया था, इतने पैसे कम पड़े थे। तो बेटा ये फ्लैग का ऑप्शन किस लिए होता है? सिर्फ देखने के लिए क्या? ये फ्लैग का ऑप्शन किस लिए? सिर्फ देखने के लिए? नहीं भाई, जो जिस सवाल में आपको डाउट है उस सवाल को फ्लैग लगाओ और आगे बढ़ जाओ भाई। टाइम नहीं छोड़ना है, टाइम नहीं छोड़ना है अपना। ये टाइम जो 1.8 मिनट है, ये अपना टाइम खत्म नहीं करना है हमने। हमें अपना काम इस 1.8 मिनट के अंदर करना है। जितना सोचना है सोच लिया, अदरवाइज फ्लैग लगाया जिस सवाल पे डाउट था, आगे मूव ऑन करके बाद में देखेंगे अगर कोई थ्योरी वगैरह आ रही है तो। अभी थोड़ी, पहले तो इंसान पासिंग मार्क्स गेन कर ले, बाद में देखेगा अगर सर के पोजीशन आनी या नहीं आनी। पहले पासिंग मार्क्स तो आए, और सर पासिंग मार्क्स ऐसे आएंगे कि जितना टाइम रिक्वायर्ड है 1.8 मिनट, आपने उतना ही देना है उन सवालों को जिसको आपको डाउट लग रहा है। अदरवाइज फ्लैग लगाओ, आगे बढ़ो, कहानी नहीं है भाई। बातें समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? सर के ऊपर से जा रही है अभी से ही। हाँ बच्चों लोग आ रही है भाई, इन बातों पे अमल भी करना है। वरना देखो कैफ का भले कोई भी पेपर उठा लो, एएफसी का पेपर उठा लो, सीफैक का पेपर उठा लो, ये चीजें जब तक ओवरकम नहीं करोगे मसला हल नहीं है। तुम्हारी जो कश्ती है वो किनारे पे नहीं आएगी जब तक इन चीजों के ऊपर तुम्हारी ग्रिप नहीं होगी बेटा। ये बात याद रखना, भुगत चुका हूं चीजें मैं, मुझे पता है कि पेपर में किस तरीके से इंसान के साथ साथ चीजें होती हैं। तो तुम्हें एक बात बताई जा रही है एक्सपीरियंस से, जो तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे 5 अटेम्प्ट देकर कैफ में, वो अभी से एक्सपीरियंस कर लो भाई। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि सर एएफसी में पेपर रुक गया, अच्छा हुआ। एएफसी में तुम लोगों का पेपर रुका है, अच्छी बात हुई है, क्योंकि एएफसी एक छोटी सी स्टेज है। ये देखो एएफसी एक छोटा सा स्टेज है, कैफ इतना बड़ा स्टेज है। यहां गिर गए तो अकल ठिकाने आ गई कि सर नहीं, अब इस अप्रोच से नहीं जाऊंगा, अब तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर यहां गिरते तो फिर बेटा यहां नहीं संभल पाते। अगर कैफ में गिरते तो यहां संभल नहीं पाते, फिर कैफ के अंदर इतना बर्डन आ रहा होता है। और ऑलरेडी रिजल्ट तुम्हारा 2 महीने के अंदर आता है, 2 मंथ लेता है रिजल्ट आने में। बच्चा 2 महीने सोच ही रहा होता है पेपर उठाऊं नहीं उठाऊं, पीछे से कहीं जहेज में तो कुछ नहीं आ जाएगा। तो आपका पेपर एएफसी में रुक गया, शुक्र मनाओ रुक गया, अकल ठिकाने आ जाएगी अब कि नहीं सर, अब इतनी मेहनत तो कर ली थी, पेपर नहीं पास हुआ एएफसी के अंदर, अब तो ज्यादा मेहनत करनी है मुझे, वरना भी बीकॉम करना पड़ेगा। सर तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताई थी सेलेक्टिव स्टडी, तीसरे नंबर बताया था बच्चों सेलेक्टिव स्टडी। मैंने आपको अभी क्या बताया ऊपर कि सर मैंने एक बच्चे से पूछा, उसने जो है वो फास्ट ट्रैक में पेपर दिए थे सर, वो तो इतना चीता बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा था। उसने बोला मैं फाइनेंशियल मैथ्स करके गया था, 25 मार्क्स की फाइनेंशियल मैथ्स आ गई और कुछ नहीं आता था मुझे, अच्छा। दूसरे से पूछा, उसने बोला भाई 30 नंबर के डेरिवेटिव्स आ गए थे, अच्छा। तीसरे से पूछा, उसने बोला सर मेरे पास तो मैट्रिसेस आ रहे थे भर भर के, आपका भाई कैलकुलेटर पे सॉल्व करते रहा, हो गया उसका। अबे भाई उसको बोलो अगली सुरंगी में मिलो। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ना अगर पढ़ने का कभी शौक हो तो, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ना। एग्जामिनर कमेंट्स में 98% बच्चा कहता है कि सिलेक्टिव स्टडी की वजह से फेल होता है। कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं है, सिलेक्टिव स्टडी की वजह से फेल होता है। स्टडी टेक्स्ट के अंदर 16 चैप्टर है, स्टडी टेक्स्ट के अंदर 16 चैप्टर है, बच्चा कवर करके 5 चैप्टर गया तो बताओ जरा कैसे पास होगा यार, कैसे पास होगा इन 11 के चक्कर में। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा एग्जामिनर भाई 98% बच्चा फेल हो रहा है, सिलेक्टिव स्टडी मत करके आओ, सिलेक्टिव स्टडी मत करो। सर क्या हो गया, हम जो है ना वो स्टैट्स भी कवर करके जाएंगे और दूसरी भी चीजें भी देख लेंगे, हम स्टैट्स वगैरह भी कवर करके जाएंगे।
सर ये तो पेपर पास करा देगा ना, इनकी तो वेटेज इतनी ज्यादा है कि आपने बोला था 80% पेपर यहाँ से आया था। अरे तो लल्लू 80% तो निकाल ले, जभी तो 47-49 पर रुक गया, जभी तो रुका यहाँ पर। हाँ भाई जभी तो यहाँ रुक गया, जभी तो यहाँ रुक गया 45 के ऊपर, 40 के ऊपर क्यों रुक गया? सेलेक्टिव स्टडी ये लो भाई, इसकी ख्वाहिश भी पूरी करते, 48 भी लिख दिया इसका। ओके मुजम्मिल, मैं इस बारे में भी टाइट कर देता हूँ तुम लोगों को कि एक्स्ट्रा इंडक्शन के, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के बारे में इंडक्शन क्या बोलती है, इस बारे में तुम्हें गाइड कर देता हूँ। पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझो यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें तुम लोगों को अभी ये बातें समझ में आ जाएंगी, बहुत वेल एंड गुड है। कैफ के पेपर सुकून में निकालोगे क्योंकि तुम्हारा माइंड बना हुआ होगा इस लिहाज से कि सर ये भंड तो मैंने एएफसी में मारे थे, भुगत लिया था मैंने। समझ रहे हो बात को? इंडक्शन वगैरह के बारे में भी दोबारा बताता हूँ सर। डी पे मैंने बोला था सर ब्लैकआउट हो गई मेरी स्क्रीन, कुछ समझ नहीं आ रहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अंडर रूट होता है या वेरिएंस के ऊपर स्क्वायर होता है, दोनों समझ नहीं आ रहे थे मुझे तो। मैं दोनों लाके देखा, दोनों पेपर में थे, ब्लैकआउट हो गया। अब क्या करूंगा? वही मोहम्मद इब्राहिम, कोशिश करो बच्चे उसमें लिख दो, क्या कहते हैं रोमन वाली मैसेज वाली जबान में जरा तुम कमेंट टाइप करो अपना, ठीक है? लोगों का इंग्लिश में हाथ तंग होता है, मेरा उर्दू में हाथ तंग है थोड़ा। ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ऑप्शन पता है कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? यही ना, ब्लैकआउट हो गया ना, साथ ब्लैकआउट हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट होता है या वेरियंस के ऊपर स्क्वायर होता है, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। अब ऑप्शन में देखा तो ए में वेरियंस भी लिखा हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन का ऑप्शन भी आ रहा था और डी में वेरियंस का भी आ रहा था, किधर लगाऊं? सब पे लगा सकते हो सामा, तुम पूरे 70 का 70 एमसीक्यूज के ऊपर जो है ना वो फ्लैग लगा सकते हो, लगा के मत आना ऐसा, सही है? अच्छा फ्लैग का ऑप्शन बेटा क्यों दिया गया है तुम लोगों को, ये बात ये देख लो कि जिन सवालों पे मैंने 1.8 मिनट के हिसाब से टाइम लगाना है, बिल्कुल इब्राहिम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते बेटा, तो जभी तो पेपर रुकता है ना बच्चे का, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रुकेगा, अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रुकेगा, मैं वही कह रहा हूं, छोटी स्टेज में रुक गया पेपर, अच्छा है शुक्र मनाओ रुक गया, कैफ में रुकता फिर समझ नहीं पाते, क्योंकि कैफ में बंदा नॉर्मल जमाने बोलूं तो बहुत पढ़ता है, नहीं निकलता पेपर। रीजन क्या होता है? वो इन रीजन से, ये जो मैंने रीजन दिखाया है तुम लोगों को, इस रीजन से अनजान है वो, उसको पता ही नहीं है। भाई फ्लैग का ऑप्शन क्यों है? 1.8 मिनट्स आपने लगाए, कहानी खत्म, इसके बाद समझ नहीं आ रहा ऑप्शन ए पे टिक करो आगे बढ़ जाओ। जब पेपर के एंड पे देखोगे तो साइड में विंडो के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा फ्लैग और 10 क्वेश्चंस, आधा घंटा है अभी, आधे घंटे पहले आपने पेपर खत्म कर लिया, अब इन 10 क्वेश्चन को रिव्यू करना शुरू करो। अरे हाँ ऑप्शन ए आ रहा था, मुझे लग रहा था ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, लेकिन कैलकुलेटर में तो ए आ रहा था, दाऊ शायद में भी सर डी बी था, दाऊ शायद से लग के आया था पेपर, भाई यही नहीं पता दाऊ शायद के आधे आंसर गलत है, लगा के आ गया गलत। नहीं मोर ऑर लेस उसामा, तो बेटा फ्लैग का ऑप्शन लाजमी यूज करना है तुम लोगों ने, जब भी सवाल पे डाउट लगे फ्लैग का ऑप्शन लाजमी यूज करना है, बात क्लियर होती है? जी सर। तो भाई दोस्तों ये जरा ताबीज है क्यूएम पास करने का, पहले इतने को कॉपी करो ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है? पहले ये बेटा कॉपी करो, ये ताबीज है, इसको घोल के पीना है सुबह शाम, जब भी पढ़ने बैठो इनको इसको दोहराना, सही है? ये लोग कॉपी करो, फिर इंशाअल्लाह आज से हम लोग जो है वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।
मुजम्मिल टेंशन पता है क्यों होती है, टेंशन यूं होती है क्योंकि हमने सवाल की मुताबिक तैयारी नहीं करी होती, हमारे अंदर की फीलिंग बता रही है सर कि पेपर तो रुक रहा है। टेंशन यूं क्यों होती है? क्योंकि हमने तैयारी नहीं की, हमें पता चल जाता है कि सर तैयारी है या नहीं है। रफ शीट बिल्कुल फातिमा चेक होती है, जबी तो आई कैप सबमिट करवाता वापसी बोलता दो। नहीं गले में लटकाना नहीं है, जहन में बिठाना है इसको। सही हो सामा? कॉपी करें बच्चे लोग, फिर हम लोग आज से जो है वो इंशाअल्लाह पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और फिर मैं तुम लोगों को ट्रिक्स भी बताता हूँ साथ साथ। कॉपी करो सबको। नबीद क्या कह रहे हो बेटा? नहीं फातिमा उस पर क्लियर काम नहीं होता, जितनी गन मचानी है मचा दो। एहसन कॉपी कर लेना बेटा, आप मेहंदी थोड़ी लगाई है हाथों में। ब्लैकआउट से सब अशरफ कैसे डील करें अभी बताता हूँ, ब्लैकआउट से कैसे डील करें अभी बताता हूँ। कॉपी करो तुम लोग पहले, ताकि ऐसा ना हो ना मैं लिखता चला जाऊँ और बच्चा बोले सर ये तो आप ऊपर कर दें, फिर कोई बंगी आएगा बीच में बोलेगा सर मैंने यहाँ से नहीं किया था। ऐसे थोड़ी उसामा, जिन टॉपिक्स को कैलकुलेटर पे कवर करवा देंगे वो कैलकुलेटर पे पहले कराऊंगा, कैलकुलेटर पे पहले कराऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बस मेरे साथ साथ रहो तुम लोग। कॉपी करो जरा एक मिनट, में अपना माइक म्यूट करता हूँ फिर देन डिस्कस करते हैं दोबारा से। तहरीम बिल्कुल डिस्कस करते हैं बेटा, तहरीम बिल्कुल डिस्कस करते हैं। मेरा काउंसलिंग चल रहा है। बच्चा लोग कॉपी करो, मैं नीचे कर देता हूँ स्क्रीन। ये लो रीजंस टू ओवरकम, यहां से सेलेक्टिव स्टडी को दो तीन बार हाइलाइट कर लेना जिस तरीके से तुम लोग चाहो। हाँ भाई ओके की रिपोर्ट है। वालेकुम अस्सलाम पारस, कैलकुलेटर से बिल्कुल टाइम बच जाता है उसामा, लेकिन कैलकुलेटर मरवाता भी है इंसान को। चैप्टर में हलवा पूरी अभी रुक जा यार, सीरियस पढ़ाने तो चुप रहो। जी बच्चे, जी बच्चों तो क्या पढ़ाई स्टार्ट करें? पढ़ाई स्टार्ट करें, जी भाई चलो। अच्छा दोस्तों तीन कुछ ऐसा है देखो कि कोर्स आउटलाइन तो डिस्कस हो जाएगी तुम लोगों को, उसमें भी मिल जाएगी क्या कहते हैं स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी मिल जाएंगे कोर्स आउटलाइन वगैरह। हमेशा याद रखना जो मेजर टॉपिक्स है ना कोर्स हमारे तुम्हारे पास दो चीजों में डिवाइड होता है, एक मेजर टॉपिक्स के अंदर से और एक
इन जस्ट टॉपिक्स के अंदर से। अगर तुम्हारा पेपर पास कराने के लिए मेजर टॉपिक जो है वो 60% या 70% कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो बेटा ये इन जस्ट टॉपिक जो एवेंट टॉपिक है ना, ये भी आपके पास 30% कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी जाके बच्चा पास होता है। सिर्फ मेजर टॉपिक करके नैया पार नहीं लगेगी। थ्योरी में बहुत कंफ्यूजन होती है, बिल्कुल थ्योरी में कंफ्यूजन होती है। ओवरकम किस तरह की किया जाए वो भी बता देता हूं, थ्योरी थ्योरी का पार्ट आता रहेगा वो भी एड्रेस करता रहूंगा। क्लियर है? असील, आसिल नाम है, असील नाम है, असील जी। अच्छा तुम सुफियान के दोस्तों। अच्छा दोस्तों, तो मेजर टॉपिक्स के अंदर अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो पहले नंबर पे आ रहा है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। थ्योरी कहां से करें उसामा? बिल्कुल अभी बताता हूं थ्योरी कहां से करें। सर पहले मैं आप लोगों को मेजर टॉपिक्स लिखवा रहा हूं, लिख लो। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। अगर सीए की पूरी लाइफ के अंदर सरवाइव करना है तो फाइनेंशियल मैथ से आपका पहली मोहब्बत होनी चाहिए। इससे फाइनेंशियल मैथ से अगर आपकी पहली मोहब्बत नहीं होगी तो बेटा सीए में सरवाइव नहीं कर सकते। इतना मेन टॉपिक है, एमएसए 1 तक जान नहीं छोड़ेगा आपकी, एमएसए 1 तक नहीं छोड़ेगा जान। सेकंड नंबर पे सर डेरिवेटिव्स आ रहे हैं आपके पास, मैट्रिसेस आ रहे हैं, मैट्रिसेस के अंदर वो कैलकुलस वगैरह सारी चीजें जो आ रही होंगी तुम्हारे पास, रिग्रेशन कोरिलेशन स्टेट्स पूरा। सर स्टेट्स पूरा कहां से कहां तक? वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और वो आगे की पूरी कहानी। सर बचा क्या? स्टार्टिंग के चैप्टर्स, मैथ्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 स्टेट्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स, स्टार्टिंग के चैप्टर्स स्टेट्स के, जो मीन मीडियन मोड वाले हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह वाले, मैथ्स में ना वो ऊपर आ गई ना, इस वाले चैप्टर्स में आ गई। और मीन मीडियन मोड में ना ज्यादा वेटेज आएगी तीन बेटा, ये भी कवर करने हैं, ये भी, और ये तो कवर करने ही करने हैं। तो अल्टीमेटली पूरा 100% कोर्स कवर करना है। जवेरिया एपी जीपी मतलब वही मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन जो है एपी जीपी। बिल्कुल मुजम्मिल, मैंने आपका पहली दफा कमेंट पढ़ लिया था बेटा, मैंने आपका पहली दफा कमेंट पढ़ लिया था। अच्छा जी, तो दोस्तों आज हम कहां से स्टार्ट करेंगे? अच्छा कॉपी करना है किसी को? वर्स्ट प्रॉब्लम में मसला होता है उसामा, कोई मसला नहीं है, आ जाओ चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम जो स्टार्ट करेंगे ना बेटा, वो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन से करेंगे। रीजन बताता हूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करने का रीजन क्या है? ताकि हम प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन देख सकें। अटेम्प्ट्स के बारे में मुजम्मिल बताता हूँ। बिल्कुल पहले मैं आपको अपना प्लान बता दूं। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कराने का बेसिक मकसद क्या है? कि हम स्टेट्स को ओवरकम कर सकें। स्टेट्स में थ्योरी भी आती है, स्टेट्स में कैलकुलेशन भी आती है, वही बच्चा फंसता है जाकर। मैथ्स तो बहुत आसान है, इंजीनियरिंग वाला करके भी आ रहा है मैथ्स, मेडिकल वाले करके भी आ रहे हैं मैथ्स, तो स्टेट्स में ज्यादा फंसते हैं। तो भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पास हमारे पास आ रही होगी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, सैंपलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास एस्टिमेशन भी आती है।
फिर आगे बढ़ेंगे यहीं से, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी आती है। सर हमने सुना था हाइपोथेसिस टेस्टिंग और काई स्क्वायर टेस्टिंग में जो है सिर्फ वो आती है, थ्योरी आती है, कैलकुलेशन नहीं आती। क्यों बच्चे हो, कैलकुलेशन तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है क्या? कैलकुलेशन अगर कोर्स का पार्ट है तो आईकेएफ जज टेस्ट कर सकता है तुम्हें, तुम्हें अपना 100% देना है हर चीज के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के कुछ बाहरी स्टेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रिफ्रेशर का बैच। जी बच्चा लोग ओके की रिपोर्ट है? ओके जवेरिया, ओके सबा। बस इंशाल्लाह परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं, और अगर तुम लोगों ने चाहा तो परम्यूटेशन को आज एंड भी कर देंगे। और बोलो, कल कॉम्बिनेशन को निपटाएंगे, परसों प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ मेरे साथ साथ रहो। यस पारस, अच्छा हाँ, एक अटेम्प्ट्स का रह गया था और एक थ्योरी का रह गया था, वो भी मैं एड्रेस कर देता हूँ। ओके पारस, कोई मसला नहीं है। ओके पारस, माइंड में है मेरे पास चीजें, कोई मसला नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक बच्चों का ये भी आया था सर, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से करें दोस्तों? दाऊद शायद 2000 एमसीक्यूज। कॉमर्स बुक पॉइंट का नंबर मुझसे ले लेना, दाऊद शायद। पारस आ जाएगी यूट्यूब पे, पारस यूट्यूब पे आ जाएगा आज का लेक्चर बस। अच्छा जी सर, प्रैक्टिस के लिए दाऊद शायद 2000 एमसीक्यूज वाले बुक आपने करनी है, एक एक सवाल करना है उसका, एक एक सवाल करना है। लास्ट असाइनमेंट तो एंड पे करना है, पेपर से एक दिन पहले। ये 2000 एमसीक्यूज वाली बुक कर लो, अपनी जिंदगी आसान करो बस। पीडीएफ कौन बनाएगा 1000 पेजे? जी बच्चे लोग, अच्छा अटेम्प्ट्स के बारे में कोई बच्चा पूछ रहा था मुझसे, अटेम्प्ट्स के बारे में पूछ रहा था कि सर अटेम्प्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, इंडक्शन का दौर होगा नहीं होगा, क्या सूरत हाल होगी। तो बच्चा लोग अटेम्प्ट्स के बारे में तो एफटीएस नंबर आता है, सुनते रहो। एफटीएस कार्ड एक आईकेएफ इशू करेगा आपको, एफटीएस कार्ड के ऊपर आपका एफटीएस नंबर होगा। मिसाल के तौर के ऊपर आपका एफटीएस नंबर आता है 36, सही है? जब आप एएफसी में थे आपके पास 36 एफटीएस नंबर आ गया। अब आपने कैफ क्वालिफाई कर लिया, एफटीएस नंबर 36 ही रहेगा पूरी जिंदगी में कैफ सीए की आपकी। अब जब फर्म्स के अंदर इंडक्शन हो रही होगी, जब फर्म्स में इंडक्शन हो रही होगी तो आपको फर्म बता देगी कि भाई एफटीएस 30 से एफटीएस 40 तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एफटीएस 30 से एफटीएस 40 तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फॉल कर रहे हो नहीं कर रहे इसमें? ओके तहरीम भाई, फॉल कर रहे हैं बिल्कुल। अगले साल ये एक यहां से बढ़ाएगी, एक यहां से बढ़ाएगी। एफटीएस क्या है? फुल टाइम स्टूडेंट नंबर। आईकेएफ इशू करेगा मुजम्मिल आपको। वही बता रहा हूं ना मुजम्मिल, वही तो बता रहा हूं, सुनते रहो। बिल्कुल अटेम्प्ट का लिंक है सुम्बुल, बिल्कुल अटेम्प्ट का लिंक है। अब सीन क्या होता है, फिर एक फर्म यहां से बढ़ाएगी, एक यहां से घटाएगी, सही है? तो भाई आपके पास बहुत चांसेस होते हैं, आपके पास बहुत चांसेस हैं फर्म में जाने के। फर्म में जाने की टेंशन रहने दो, पेपर्स क्लियर करो बस, जल्द से जल्द कोशिश ये करो कि पेपर्स क्लियर हो। फर्म में जाने का बहुत चांस है, बहुत बड़ी है फर्म्स, ठीक है? तो फर्म में जाने का नहीं सोचो, बहुत अल्लाह ताला ने बहुत चांस देगा इंशाल्लाह तुम्हें, लेकिन पेपर्स निकालो। बिग फोर क्या होता है यार, ऐसा कचरा करती है कि आपकी सोच है मुजम्मिल। खैर बात कहीं से कहीं और चली जाएगी,
बात कहीं और से कहीं चली जाएगी, पढ़ाना पढ़ लेते हैं भाई। तो हमने आज स्टार्ट करना है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो, परम्यूटेशन क्या होता है? सुंबल बता दूंगा, सुंबल तुम रेगुलर की हो ना? जी सर। हाँ भाई असद क्या कह रहे हो, परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जरा बताना मुझे। ओके ओके जवाब। सिलेक्शन, सबा गलत बता रही हो बेटा, सबा गलत बता रही है बच्चे। सहारा, अरेंजमेंट्स। सर परम्यूटेशंस का मतलब बच्चे सही बता रहे हैं आधे, सर अरेंजमेंट्स को बोलते हैं परम्यूटेशंस। सर अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता? और सर परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है या नहीं करता? मुजम्मिल गलत बता रहा है, परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जी मुजम्मिल, परम्यूटेशंस के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर्स नहीं करता। लिख देता हूं मैं यहां पर कॉम्बिनेशन। अच्छा कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? परम्यूटेशन तो अरेंजमेंट्स को बोलते हैं, कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? सिलेक्शन को। वेरी गुड। और सिलेक्शन में क्या होता है सर? ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऐसा कि सर ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी तरह से मैं सिलेक्शन कर सकता हूं अपनी, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा ऐसा। हाँ बच्चों, तो कल गला एमसीक्यूज में पूछ लेगा कि भाई ये सिलेक्शन हो रही है, इसके अंदर चार अमरूद दिए हैं, पांच मैंगो दिए हैं, सिलेक्शन कर रहा हूं मैं तीन की, बताओ कॉम्बिनेशन हो रहा है या परम्यूटेशन हो रहा है? क्या बोलोगे? सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है तीन का। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बच्चों? सिलेक्शन बोलोगे सर, क्योंकि सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन बोलोगे सर क्योंकि कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होती है, ऐसा। बस ये छोटी छोटी सी चीजें होंगी जो तुम्हें वहां पर याद आ जानी चाहिए। थ्योरी कुछ नहीं है यार, जो उस्ताद के बोले हुए अल्फाज है वो थ्योरी है। थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर कॉम्पिटेंट होकर क्लासेस ले ली तो, जान छूट गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं परम्यूटेशंस की बात करता हूं बेटा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबने पढ़ा हुआ है। उसामा अभी बिल्कुल बताऊंगा, उसामा अभी सवाल की तरफ आऊंगा तो फर्क दोनों को बता दूंगा। परम्यूटेशंस के अंदर दो केस होते हैं, कौन कौन से? विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। रिप्लेसमेंट कर लो, रिपीटेशन कर लो, एक ही बात है। अच्छा फिर ये भी बता दो, अगर ये भी पता है तुम लोगों को कि विद और विदाउट रिप्लेसमेंट या विदाउट या विद या विदाउट रिपीटेशन, तो मुझे बता दो कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन मैं विद रिपीटेशन लगाऊंगा या विदाउट रिपीटेशन लगाऊंगा? है भग्गियो, विद रिपीटेशन लगाऊंगा विदाउट रिपीटेशन लगाऊंगा? ऐसा बाय डिफॉल्ट हम विदाउट रिपीटेशन पिक करते हैं। जवेरिया अब गैस नहीं करना है बच्चे, अब श्योर श्योर बताना है सारी चीजें। बाय डिफॉल्ट हम विदाउट रिपीटेशन लगाते हैं। सर विद रिपीटेशन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले नाम की कोई चीज है या नहीं है?
मुंह में बोले जाओ एनसीआर एनपीआर, अबे भाई परम्यूटेशन है, एनपीआर विद रिपीटेशन में किस तरह सॉल्व होता है कि एन की पावर आर ऐसा, और विदाउट रिपीटेशन में क्या होता है कि एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल ऐसा, ये फॉर्मूलाज भी आ गया तुम्हारे पास। समरी बनाओ अपने पास, एक कोई अपने पास फोटोग्राफ गैलरी के अंदर एक काइंड ऑफ तुम लोग फोल्डर बनाओ समरी के नाम से, समरी के नाम पे परम्यूटेशन की समरी तुम्हारे पास स्क्रीन पे मौजूद है, देख लो। परम्यूटेशन किसको बोलते हैं? अरेंजमेंट को। परम्यूटेशन क्या होता है? ऑर्डर मैटर करता है। परम्यूटेशन किस तरह की होती है? विद रिपीटेशन भी होती है, विदाउट रिपीटेशन भी होती है। बाय डिफॉल्ट ये लगाते हैं फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला इनका। तो एक काइंड ऑफ समरी भी बनाओ तुम लोग, फोल्डर बनाओ और उसमें इस तरह के स्क्रीनशॉट घुसा दो। सवालात की तरफ मूव ऑन करें। अजानें हो रही है क्या? अच्छा बच्चों अजान का एहतराम करते हैं, ठीक है ना, दो मिनट फिर देन मैं अपना माइक को अनम्यूट करता हूं। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात ये बताओ आप लोग कि नमाज किस किसने पढ़नी है, नमाज किस किसने पढ़नी है? कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स में। हमने चलो एक काम करो बच्चे लोग के 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, फटाफट जाओ फर्ज की अदायगी करके आ जाओ, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, जल्दी से जाओ फर्ज की अदायगी करके आ जाओ, चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ, नमाज पढ़ के आ जाओ, चलो।
हाँ भाई स्टूडेंट्स आ गए क्लास में? जवेरिया? जवेरिया कहाँ से पढ़ा बच्चे आपने? मुजम्मिल कहाँ से पढ़ा तुमने? लाहौर से? अच्छा सेट है, सेट है, सेट है, सेट है। तुम लोग अपने बाकी दोस्तों को भी कनेक्ट करो बच्चों, जो जिनका पेपर QM में ड्रॉप हो गया है, तो उनको बाकियों को भी कनेक्ट करो। ओके ओके जवेरिया, तुम लोग अपने बाकी दोस्तों को भी कनेक्ट करो यार, ताकि अगर फायदा हो रहा है तो बाकी लोगों को भी फायदा हो ना। सही है मुजम्मिल? चलो बस बाकी बच्चे भी आ जाए नमाज से, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो 5 बजे तक स्टार्ट करते हैं। सही है, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, 5 बजे तक स्टार्ट करते हैं। तहरीम? तहरीम बेटा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है। तो एक काम करो, तुम मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, मैं तुम्हें एक नंबर दे देता हूँ एडमिन का, और शी विल गाइड यू कम्प्लीटली। ओके ठीक हाँ भाई बच्चे लोग, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे, फिर टाइम जो है शॉर्ट है आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास थोड़ा सा। तो तो जी सर भाई, क्लास में है तो सही, इतने सारे बच्चे, 30 बच्चे हैं क्लास में, बाकी चले गए। क्लास का डेकोरम तो है ना भाई हमारे पास। चलो भाई आओ फिर, सवाल अपने सामने ले लो बच्चे लोग, सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जी भाई बिल्कुल मुजम्मिल, तकरीबन डेली क्लासेस होंगी हमारी। सर आपके पास सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इन हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कैट्स बी अरेंज्ड? मुझे ये बताओ, कॉम्बिनेशन का सवाल है, परम्यूटेशन का सवाल है? ये सवाल परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का है, किसका है? सबा गलत बता रही हो बेटा, परम्यूटेशन का सवाल है, क्योंकि परम्यूटेशन किस चीज का नाम है बेटा? ये देखो,
परम्यूटेशन किस चीज का नाम है? अरेंजमेंट्स का नाम है. कैट्स कैन बी अरेंज्ड. समझ गई? तो अब किस तरीके से करोगी? किसे अगर परम्यूटेशन का सवाल है तो कैट्स के कितने वर्ड्स है? तीन. और आर उसने बताया नहीं है तो आर भी तीन ही होगा तुम्हारे पास, ऐसा ना? जब आर उसने बताया हुआ नहीं है तो आर भी तीन ही होगा. इसके दो केस हैं, दो तरीके सॉल्व कर सकते हो. या तो तुम लोग परम्यूटेशन लिखो कि परम्यूटेशन इज इक्वल टू 3 factorial तो 6 आ जाएगा तुम्हारे पास. या तो बी पार्ट यू भी कर सकते हो तुम लोग, 3p3 इज इक्वल टू 3 factorial ओवर 3 - 3 का होल फैक्टोरियल, तब भी तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा बेटा? 6 ways. ऐसा दो तरीकों से आप लोग कर सकते हैं, और लगा लीजिएगा बीच में. तुम एक काम करो बच्चे, तुम यहां बैठो, यहां आ इधर. ओके मुजम्मिल, भेज दूंगा पीडीएफ बेटा. जी शवार, आप क्या कर रहे हैं? 3p3 का मतलब ये हुआ बेटा कि जब उसने मुझे ये नहीं बताया कि आर क्या है मेरे पास, तो मैंने बोला जितने मेरे पास नंबर्स है उतने ही मेरे पास आर्स है, ठीक है ना? फॉर्मूला क्या है? एन पी आर. अब एन मेरे पास कैट्स के कितने लेटर्स हैं? 3 letters हैं. अब उसने सिर्फ मुझसे पूछा कि कितने टाइप्स की अरेंजमेंट हो सकती है, इसको मतलब उसने मुझे आर नहीं बताया. आर अगर आर ये वो आर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी आपके पास वो बोले कि यार के कॉन्सोनेंट्स अलग हो या वॉवल्स अलग हो, आर वो रिप्रेजेंट करेगा. अब यहाँ पे आर के बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मैं बोलूंगा जितने एन है उतना ही आर है, ठीक है? तो जब भी मैंने इसको क्या रखा, 3p3. अफान ऑन कैंपस 5-6 बच्चे मेरे पास. आर दिया होता है तो जवेरिया बताऊंगा ना आर किस तरीके से करेंगे. फिर जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें. सिंपल इजी था, सिंपल सा काम करना है. या तो 3 factorial लग दो, वरना जितने n थे तुम्हारे पास सर, n कैट में कितने थे? 3 थे. n इक्वल टू 3. r के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मैं पता चल गया कि अरेंजमेंट कह रहा है, तो परम्यूटेशन का सवाल है तो मैं बोलूंगा सर r भी कितना है? 3 है. आंसर सेम आएगा, देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूं ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए इस बारे में. जी भाई कितना आ रहा है पार्ट बी का आंसर, वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ रहा है? क्या इसमें एन और आर दोनों की क्वांटिटी सेम है क्या? हाँ भाई, क्या इसमें एन और आर दोनों की क्वांटिटी सेम है? जिस तरह से ऊपर वाला सवाल था
कि उसने कैट्स की सिर्फ वर्ड्स दिया हुआ था, मैंने आर बोला कि आर नहीं पता सर, तो उसने, मैंने आपसे बोला भाई आर भी तो तीन ही है, अगर कैट के वर्ड्स तीन है तो आर भी तीन है। सिमिलरली यहाँ पे उसने फाइव प्यूपल्स का वर्ड दिया, और सर कौन सा वर्ड है जो आपको कनेक्ट करेगा कि सर ये परम्यूटेशन का सवाल है? जी बिल्कुल सर, ये वर्ड लाइंड अप, इस वर्ड ने मुझे कनेक्ट किया है कि सर ये परम्यूटेशन का सवाल है, सही है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर इसके भी दो मेथड है, पहला या तो मैं डायरेक्ट फाइव फैक्टोरियल रख लूं तो कितना बनता है 120 वेज। पार्ट बी किस तरह सॉल्व करूंगा बच्चों इसका, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये दोस्तों ये भी 120 वेज ही आता है ऐसा। दिमाग में बैठती है बात? हाँ भाई इजी है। जबेरिया क्योंकि लाइंड अब एक अरेंजमेंट के हिसाब से होगी ना, लाइंड अप का मतलब क्या है अरेंजमेंट? ओ सर अच्छा ऐसा ऐसा ही होता है बेटा। जीरो फैक्टोरियल बिल्कुल उसामा, ठीक है बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें, कॉपी कर लिया सबने? चलो भाई आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। जी भाई क्या इजी है नेक्स्ट सवाल? चेक करो जरा बताओ, ये भी बता रहा कि परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का है, किसका है? अफान डिफरेंट नहीं है। मुजम्बिल मुजम्बिल नहीं मुजम्बिल गौर से पढ़। मुजम्मिल कॉम्बिनेशन का सवाल नहीं है, उसामा कॉम्बिनेशन का नहीं है, कहीं सिलेक्शन का वर्ड आया है इसमें क्या? कहीं इसमें उसने बोला है कि सिलेक्शन? हाँ भाई, और एक वर्ड ये भी देख लो, डिजिट्स कैन बी फॉर्म, तो फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या होता है? नवीद क्या निकाल लिया बेटा, क्या निकाल लिया इतना बड़ा 1440। सबा बिल्कुल, सबा वेरी गुड। अब समझ में आ गया सर कि ये सवाल भी परम्यूटेशन का है, किस तरीके से सॉल्व होगा? दो मेथड वही, या तो तुम थ्री फैक्टोरियल कर लो क्योंकि आर के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो सिक्स वेज आएगा, और करके 3p3 मतलब सर थ्री फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल ऐसा, ये भी 6 वेज आता है। जी सुम्बुल बिल्कुल वेरी गुड बिल्कुल। फराज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? अरेंज करके फॉर्मेशन होती है ना। सुम्बुल सेट है, उसामा सेट है, दोनों वेज से करूंगा ना बेटा, जिस तरह से ऊपर वाले क्वेश्चंस करता हुआ आ रहा था। ओके की रिपोर्ट है, आगे बढ़ जाए क्या? मैं तेज तो नहीं जा रहा?
प्रॉपर सवाल कॉपी करके काम करोगे, कैलकुलेटर पे खुदा का वास्ता है, कैलकुलेटर पे कोई नहीं अच्छा करेगा। कोई अगर बहुत चीता अपने आप को समझ रहा है कि सर मैं तो कैलकुलेटर पे कर लूंगा ऐसे सवाल, तो सही रुका तेरा पेपर पे, सही है। चलो भाई आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, ये लो भाई। जी भाई अब आएगा थोड़ा सा सवाल अच्छा सा। जी भाई अगेन वही सवाल, परम्यूटेशन का है कॉम्बिनेशन का है, सोचो। तो इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है चाइनीज जबान में परम्यूटेशन। अंग्रेजी क्या आर की वैल्यू इसमें गिवन है आप लोगों को, बराए मेहरबानी चेक करिएगा जरा। कौन सी आर की वैल्यू 4 है ना, ये देखा आया ना, मैंने कहा था आएगा कोई ऐसा जो बोलेगा आर 4 है। देखा मैंने कहा था ना आएगा कोई ना कोई ऐसा जो बोलेगा आर 4 है, 4n है बेटा, आर 3 है, टेकन आर 3 है एन 4 है, बिल्कुल एहसन शेख। मुजम्मिल सेट हो गया, सबा सेट है। जी भाई तो अब क्या करेंगे, अब क्या 4 फैक्टोरियल कर सकते हो क्या, 4 फैक्टोरियल वाला गेम जो ऊपर कर रहे थे वो कर सकते हैं क्या, जो हम लोग ऊपर कर रहे थे 4 फैक्टोरियल वाला गेम वो नहीं कर सकते अब, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू उसने हमें बता दी है। अब वही करना पड़ेगा मुझे, एन पी आर कौन सा था, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो मतलब 4p3 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना बचता है, कितना बनता है बेटा 24 वेज। अब चलो बाप भेजे में बैठती है, परेशानी तो नहीं है ना किसी को, वापस से करवा देता हूं बेटा। वो क्या कह रहा था कि टोटल नंबर्स कितने हैं जवेरिया, 4 नंबर्स हैं ए बी सी डी और टेकन 3 एट अ टाइम, मतलब जितना एक टाइम में लोगे वो किसकी वैल्यू होगी, वो आर की वैल्यू होगी, क्योंकि टोटल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं हम, एन से। परम्यूटेशन पूछ रहा था, लगाया एन पी आर वाला फॉर्मूला, मतलब 4p3 फॉर्मूले में रखी वैल्यूज, आंसर निकाल लिया ऐसा। ओके समझी समझी भी हो, ये लो भाई तुन्ने तुन्ने से क्वेश्चन लेके आओ तुम लोगों के लिए, छोटे छोटे से कल लेके आऊंगा डराने वाले क्वेश्चंस। हाँ भाई सिंपल है, कर लोगे ना लड़के, तुम बताओगे मुझे इसका आंसर। ओके ओके मुजम्मिल वेरी गुड, ये बताएगा जल्दी से, क्या बात, हाँ भाई सबा वेरी गुड, मुजम्मिल वेरी गुड, विनेश आसान है ना, साथ साथ चलो साथ साथ बताता हूँ फिर मैं क्या QMT क्या है यार, कुछ भी नहीं है। ऊपर तावीज दिए थे ना बना के, वो तावीज सुबह शाम बोल के पीना। हाँ भाई सर सारा बच्चा कह रहा है 30 आंसर आ रहा है इसका, अच्छा मैं भी देख लेता हूँ, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 स्टूडेंट बी सीटेड, अच्छा बी सीटेड का मतलब क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन हुआ क्या
हैं, ये बी सीटेड से मतलब से बी सीटेड एन आर ओ कॉम्बिनेशन लग रहा है ना, है बच्चे लोग? सच सच बताओ तो मैं तुम्हारी माँ की कसम है, किसको कॉम्बिनेशन लग रहा था ये बी सीटेड एन आर ओ से, किसको कॉम्बिनेशन लग रहा था? सच सच बताओ, कोई जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब सबको लग रहा था। नहीं है कॉम्बिनेशन, बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं है, परम्यूटेशन है भी। इसका मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। और आर क्या है इसका? दो है। तो सर वही फिर करेंगे, सिक्स पी टू, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस टू फैक्टोरियल कितना बनता है? तीस। बिल्कुल बेटा, सीट बी सीटेड इन आर रॉ का मतलब क्या है कि एक रॉ में बैठेंगे, तो एक अरेंजमेंट के हिसाब से बैठेंगे। जी अफान, अफान बोलो, बेटा एन हमेशा टोटल नंबर्स होते हैं, एन हमेशा टोटल नंबर्स होते हैं, एन हमेशा टोटल नंबर्स होते हैं। टोटल नंबर्स कितने हैं? छह स्टूडेंट आए, ऊपर वाले में। हाँ बेटा, आर थ्री था ना जवेरिया उस वाले में, ये देखो ये लिखा हुआ आर थ्री और एन फोर। मुजम्मिल क्या कह रहे हो बच्चे? पी के सी नहीं है, है? ये क्या मतलब? चलो जी आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले आया मैं आपकी खिदमत में, शुरू हो जाओ। जरा मुझे जरा ये भी बताओ कि ये परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का है, और इसमें एन क्या है, इसमें आर क्या है? सवाल को रीड करने में सबसे ज्यादा टाइम लगाया करो, घोड़ा नहीं भगाया करो। जिसने अपना घोड़ा भगाया वो गिरेगा। सवाल को रीड करो पहले, समझो कि सर सवाल क्या कह रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर उस डायरेक्शन में मूव ऑन करो। एक बच्चे की आवाज आई है परम्यूटेशन। मुजम्मिल बेटा नहीं ना, मुजम्मिल कहां सिलेक्शन की वर्ड कहां नजर आ रहा है? मुजम्मिल तो सिलेक्शन की बात है ये। हाँ भाई मुजम्मिल, मुजम्मिल मुझसे बात करो, कहां गया? मुजम्मिल बिल्कुल 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 जवेरिया सबा, वेरी गुड, बिल्कुल फराज, वेरी गुड सुम्बुल, वेरी गुड। हाँ भाई यार मुजम्मिल का रिप्लाई नहीं आ रहा। मुजम्मिल मुझसे बात करो, मुझे तुम्हारा पेपर पास कराना है। उसामा बिल्कुल वेरी गुड। नहीं अफान मारोक सेट है, अफान नहीं बेटा। दोस्तों मुझे बता दो जरा इसमें एन कितना है? मुजम्मिल का रिप्लाई नहीं आ रहा, लगता है इसको पेपर पास नहीं करवाना अपना। इसमें एन कितना है बेटा? सेवन। मुजम्मिल बेटा तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है? तुम्हें ऐसा क्या, तुमने इसको रीड किया तो तुम्हें लगा कि मुजम्मिल कॉम्बिनेशन का है ये? ओके सबा, फिर भाग गया लो भाई। तो भाई एन पी आर मतलब सेवन फैक्टोरियल ओवर सेवन माइनस फाइव फैक्टोरियल कितना बनता है?
2520 बेस ऐसा। हाँ भाई ऐसा। हाँ भाई शाबर ऐसा ही है। ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं भाई। आ जाओ ओके अफान। हाँ भाई अब जरा बताओ मुझे अब जरा बताओ ये कैसे करोगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर इस तरह के दो सवाल आए थे पेपर में। बिल्कुल आएंगे इस तरह के। मुजम्बिल परम्यूटेशन इसलिए यूज करी बेटा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कि 7 प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम कैन बी प्लेड इन एनी ऑफ 5 फॉरवर्ड लाइंस पोजीशंस। ये देखो फॉरवर्ड लाइंस की पोजीशंस हैं। इन हाउ मेनी वेज फिर वेज का नाम भी आ गया कैन दीज पोजीशन बी फिल्ड। सही है मुजम्बिल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्होंने मुझे परम्यूटेशन की तरफ अगर बोलता ना कि सर 7 प्लेयर्स हैं हॉकी के और कितने लोगों की सिलेक्शन होगी इन पोजीशंस के लिए फिर देन मैं कॉम्बिनेशन यूज करता हूं मुजम्बिल। लेकिन चूंकि ना उसने सिलेक्शन की बात करी ना उसने पिक की बात करी ना उसका कोई और सिनोनिम यूज किया तो मुजम्बिल जब भी मैंने परम्यूटेशन लगाया है बिल्कुल उसमें परम्यूटेशन है। नेक्स्ट वाला सवाल भी 720 आंसर नहीं है इसका आंसर है 144। चंबल रॉन्ग। मुजम्बिल अब क्लियर है बच्चे बात 144। इसमें आर नहीं है ना इसमें आर कहां से आ गया इसमें आर है ही नहीं इसमें आर थोड़ी है इसमें एन एन है सारे। आओ मैं करवाता हूं भाई देखो दोस्तों इधर देखो अल्फाबेट्स होते ना 7 फैक्टोरियल भी नहीं होगा जबेरिया रुक जाओ। अल्फाबेट्स होते हैं अल्फाबेट्स दो तरह के होते हैं बता दो कौन कौन से भाई। वॉवल्स होते हैं सर और कॉन्सोनेंट्स होते हैं ऐसा ना। तो भाई मुझे एक बात बताओ आर्टिकल्स है आर्टिकल का वर्ड है इसमें वॉवल्स कितने वॉवल्स कितने मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ जवेरिया अल्फाबेट में वॉवल्स कितने हैं मैं आर्टिकल्स में वॉवल्स पूछ रहा हूँ आर्टिकल्स में वॉवल कितने हैं सर 3 है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं फिर कॉन्सोनेंट्स कितने अदर देन वॉवल्स सर वो 4 है। तो भाई ये एक बच्चे ने बता दिया मुझे परम्यूटेशन कह रहा है सर ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल कर दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये देखो ये ए E और I मिसाल के तौर के ऊपर ये 3 वॉवल्स हैं क्या ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं कभी ये इधर आ जाएगा कभी ये इधर बैठ जाएगा कभी ये इधर बैठ जाएगा कभी ये इधर बैठ जाएगा है ना। तो ये आपस में अपने में घूम सकते हैं तीनों के तीनों। हाँ भाई ये तीनों आपस में घूम सकते हैं वॉवल्स क्या अरे बोलो जी सर क्या ये 3 वॉवल्स आपस में घूम सकते हैं बिल्कुल घूम सकते हैं। जब भी मैंने वॉवल्स को अलग कर लिया कॉन्सोनेंट्स को अलग कर दिया मैंने कहा जाओ अल्लाह हाफिज ऐसा। बहुत बेसिक से सवाल है बच्चों बहुत बेसिक से सवाल है किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे बात करो। ऐसा समझ नहीं आया कोई मसला नहीं मैं समझाता हूँ भाई देखो वो ये कह रहा है सवाल के अंदर के हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स आर्टिकल्स इफ वॉवल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। इसका मतलब वॉवल्स ने क्या स्पेसिफिक जगहें घेर ली है? है क्या वॉवल्स ने इवन प्लेसेस घेर ली है स्पेसिफिक जगहें घेर ली है मिसाल के तौर के ऊपर इवन ऑड
इवन और इस तरह के चल रही है, तो इसने इवन इवन जगह घेर ली है, वॉबल्स ने इवन इवन जगह घेर ली है। मिसाल के तौर के ऊपर कभी ये भी यहाँ बैठ जाएगा, कभी ये भी इधर बैठ जाएगा, ऐसा कभी ये वाला यहाँ बैठ जाएगा, 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 ऐसा। तो इसका मतलब क्या वॉबल्स इवन प्लेसेस के ऊपर घूम सकते हैं आपस में? है बच्चा लोग, क्या वॉबल्स इवन प्लेसेस में घूम सकते हैं? यस सर बिल्कुल। जब भी मैंने इसको थ्री फैक्टोरियल कर दिया, मैंने कहा सर थ्री फैक्टोरियल करो, काम खत्म करो, तो फिर जो कॉन्सोनेंट है क्या वो ऑड प्लेसेस में घूम सकते हैं? है ना, वो भी तो ऑड प्लेसेस में घूम सकते हैं ना, जो रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स है। तो रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? फोर। मैंने उनको भी फोर फैक्टोरियल कर दिया, सिर्फ मैंने सेपरेट कर दिया वॉवल्स को और कॉन्सोनेंट्स को, दोनों को मल्टीप्लाई करा के मैंने बोला ये लो। बिल्कुल उसामा यही करेंगे, बिल्कुल। शावर क्लियर है बच्चे? अब अगर अगर बच्चों सवाल में ये बोलता कि अब आर्टिकल्स का वर्ड कितने नंबर्स कितने तरह से अरेंज हो सकता है और वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की कोई एग्जाम्पल नहीं देता मुझे, तो सिंपल सा फिर मैं क्या करता? सेवन फैक्टोरियल सर जान छोड़ाता खत्म करके, ऐसे ही ना। ये तो उसने ऑक्यूपाई करके इवन प्लेसेस बोल दिया, तो मैंने ये केस कर लिया। बच्चों बात क्लियर होती है या नहीं क्लियर होती? हाँ भाई क्लियर है, ये इवन और ऑड का गेम समझ में आ गया? चलो जी, बिल्कुल जवेब गया। अच्छा जी आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉपी तो नहीं करना किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाऊं क्या? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन तुम लोग मुझे बताओगे, परम्यूटेशन का सवाल है, कॉम्बिनेशन का सवाल है, सारे बताएंगे जितने इस समय क्लास में मौजूद हैं, सबके सबका रिप्लाई आना चाहिए मेरे पास। परम्यूटेशन बोलते हैं इसको या कॉम्बिनेशन बोलते हैं? मुजम्मिल कहाँ गया बेटा? जबरदस्त काम हो गया, पूरी क्लास का धड़ाधड़ रिप्लाई आ रहा है परम्यूटेशन, जबरदस्त, क्लियर है, बेहतरीन बेहतरीन काम हो गया भाई। एक बच्चे ने आंसर बता दिया 210, वेरी गुड सभा, वेरी गुड बेटा तुम्बुल, वेरी गुड। यार तुम तो मुझे बताओ ना आंसर, थोड़ा थोड़ा आसरा तो दो। जी भाई किसी को कॉम्बिनेशन तो नजर नहीं आ रही है क्लास में, कोई ऐसा प्राणी है जिसको कॉम्बिनेशन नजर आ रहा हो? ये है वेरी गुड, सबको परम्यूटेशन लग रहा है, परम्यूटेशन का ये। एन कितना है जरा मुझे हेल्प करो, एन कितना है? सेवन। आर भी है क्या? आर है सर, बिल्कुल है। आर कितना है? थ्री, परम्यूटेशन लग रहा है, तो सेवन पी थ्री, मतलब सेवन फैक्टोरियल ओवर सेवन माइनस थ्री फैक्टोरियल कितना बनता है? 210 वेज, ऐसा। आप लोगों ने सही किया है, आप लोगों का आंसर मेरे आंसर से मैच करता है, इसका मतलब आप लोगों ने सही किया है। इसका यह मतलब नहीं मैंने सही किया है, इसका यह मतलब है कि आप लोगों ने सही किया है। अभी आएंगे होशियार, अच्छा एक मिनट
मिस ने तो ऐसा नहीं समझाया था, मुझे भी समझ नहीं आता, ऐसी कहानी मुझे समझ में नहीं आती। उसामा समझ रहा है? हाँ भाई, भाई एक बच्चा है कह रहा है उन्होंने ऐसा तो नहीं समझाया था, ऐसा हकीकत है भाई? भाई बाकी बैच 19 वाले एग्री कर रहे हैं इस बात को क्या? क्या तुम, अच्छा एक मुझे बता दो, 19 वालों जो भी एक दो बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, क्या तुम लोगों ने आइडेंटिकल परम्यूटेशंस पढ़ी है? हैं भाई 19 वालों, आइडेंटिकल परम्यूटेशन पढ़ी है क्या? बेड़ा गरा किसका मतलब? खैर कोई मसला नहीं, आपका भाई आपको पढ़ाएगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये लो सवाल पकड़ो। 8 हो गया था ना? अरे कहाँ गया? हैगा छुप गया था, छोटा हो गया था। जी भाई चलो भाई आ जाओ फिर 9 पे आ जाओ। जरा मुझे बताओ कि ये परम्यूटेशन का सवाल है कॉम्बिनेशन का सवाल है? नहीं सर अभी नहीं पढ़ाई, तो सुम्बुल कब पढ़ाएंगे? मार्च एडम के बाद, जवेरिया वेरी गुड, पराज वेरी गुड। भाई तू आंसर नहीं बता मुझे, पहले बता कि परम्यूटेशन का सवाल है कॉम्बिनेशन का सवाल है? सवा वेरी गुड, ओके परम्यूटेशन का सवाल है। दुआ वेरी गुड, सुम्बुल वेरी गुड। अब सॉल्व भी कर लो जल्दी से, फिर सॉल्व भी कर लो। एन कितना है, एन कितना है बच्चों, एन कितना है? 8। आर कितना है? सही है, 3 आए। ये देखो ये रहे 3, तो फिर 8p3 कितना होता है? 8 factorial over 8 minus 3 का फैक्टोरियल बच्चों कितना बनता है? 336 वेज। ऐसा सबका यही आंसर आ रहा है? ओके की रिपोर्ट है क्या? ओके की रिपोर्ट है? हाँ भाई ओके की रिपोर्ट है। यस सर। सर एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज पे एक स्टेप ऊपर बढ़ाऊं परम्यूटेशन का? वुड भी हो सकता है वो स्टेप परम्यूटेशन का आखिरी स्टेप हो सकता है। आ जाओ ओके, ये कॉपी कर लो तुम लोग, ये कॉपी कर लो, फिर देन एक स्टेप ऊपर चलते हैं। अच्छा बच्चों कल हमारी क्लास होगी सुबह 10 से 12:30, सुबह 10 से 12:30, फिर पूरा दिन दाव शायद करने ना परम्यूटेशन। उसामा क्लास किधर अपलोड होगी? क्लास हो सकता है यूट्यूब पे अपलोड हो जाए, लेकिन मेरी भाई तुम लोगों से गुजारिश ये है कि बच्चों के क्लासेस यार मेरी ऑनलाइन देख लिया करना, क्योंकि अगर किसी रिफ्रेशर के बच्चे ने मिस करता है तो बेटा फिर ये क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं है। ये ऑनलाइन तो जा रही है, लेकिन आज वाली क्लास रिकॉर्डेड दे दूंगा, लेकिन बाकी ये क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं होंगी, ये बात याद रखना। फायदा नहीं ना, वो मैं यही करवा दूंगा ना तुझे, टेंशन लेने का नहीं देने का। हाँ भाई आओ एक स्टेप ऊपर चलते हैं बच्चा लोग। क्या आइडेंटिकल आइडेंटिकल नंबर्स की परम्यूटेशन सुनिए? आइडेंटिकल नंबर्स की परम्यूटेशन सुनिए बच्चा लोग, आपने हैं नहीं सुनी?
भूल गए ये बोलो, एक ने सही बोला है भूल गया, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा ऑब्वियसली हो सकता है उन्होंने नहीं सुनी हो, लेकिन सवाल जरूर सॉल्व किया होगा बेटा। उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, सब फॉर्मूला लिख लो, टोटल एन फैक्टोरियल ओवर, फॉर्मूला लिखो बेटा, टोटल एन फैक्टोरियल इंडिविजुअल एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल एन फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लिख लो जरा जल्दी से। सर ये कौन सा फॉर्मूला करा रहे हैं आप, हमने तो नहीं पढ़ा, तभी तो 47 आए। सर ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब भी आपके पास वर्ड्स की परम्यूटेशन आएगी, जब भी आपके पास आइडेंटिकल चीजों की परम्यूटेशन आएगी, जब भी आपके पास, कब यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला, जब आपके पास वर्ड्स की परम्यूटेशन आएगी, जब भी आपके पास आइडेंटिकल चीजों की परम्यूटेशन आएगी तब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इस फॉर्मूले का एक सवाल मैं आप लोगों को करवा देता हूं। मिसाल के तौर के ऊपर आपको वो सवाल कहता है कि फाइंड परम्यूटेशन ऑफ वर्ड बुक, सर कह रहा है इस बुक के वर्ड की परम्यूटेशन बताओ, तो किस तरीके से करोगे तुम लोग मुझे बताओ, W कितनी दफा है, W कितनी दफा है, बुक का है ना, बुक बुक ओ ओके, बी से बी से बी से बी कितनी दफा है, एक दफा, ओ कितनी दफा है, दो दफा, के कितनी दफा है, एक दफा, तो टोटल एन कितने हो गए, फोर। तो बेटा मैं यही तो कह रहा हूं ऊपर फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले में क्या कह रहा हूं मैं, फॉर्मूले में क्या कह रहा हूं, फोर फैक्टोरियल ऊपर इंडिविजुअल एन का फैक्टोरियल मतलब बी का फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल इसका फैक्टोरियल ओ का फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय अगेन वन का फैक्टोरियल, ऐसा कितना बनता है, कितना बनता है, कितना बनता है बच्चों, क्या आंसर आता है इसका, फोर आंसर आ रहा है, नहीं ना 12 आ रहा है, 12 वेज हैं जिस तरीके से बुक के वर्ड्स अरेंज हो सकते हैं। बात क्लियर हुई कि सर अगर आइडेंटिकल आइटम्स होंगे, वर्ड्स होंगे या कोई आइडेंटिकल थिंग्स होंगी तो उनके अंदर परम्यूटेशन किस तरीके से फाइंड करोगे, ऐसा ऐसी हरकत करोगे। किसी को कोई मसला तो नहीं है, किसी को कोई पंगा प्रॉब्लम तो नहीं है, है तो मुझसे बात करो, हाँ भाई है तो मुझसे बात करो। सर ये न्यू फॉर्मूला है, हाँ उसामा ये न्यू फॉर्मूला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा, बिल्कुल उसामा अब पढ़ लिया ना, बचत हो गई। हाँ आर्टिकल्स वाले के अंदर से उसने मुझे अरेंजमेंट बोल दी थी, ठीक है, उसने मुझे सिर्फ आर्टिकल्स की अरेंजमेंट नहीं बोली थी, अगर वो आर्टिकल्स के वर्ड के अरेंजमेंट बोलता फिर मैं ये वाला केस करता, उसने मुझे इवन और ऑड के प्लेसेस का बोल दिया था, इसीलिए मैंने आर्टिकल्स में वो वाला गेम कर दिया आर वाला, सही है, इसमें इवन ऑड का नहीं बोला, उसने बोला कि वर्ड कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं, तो फिर मैंने आइडेंटिकल वाली चीजें लगाऊंगा, सही हो गया। सर बुक में आर्टिकल्स वाले वर्ड और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर आइडेंटिकल अप्लाई करना है, सिंबल हम जब भी वर्ड्स की आइडेंटिकल थिंग्स की परम्यूटेशन हो और आर के बारे में कुछ ना बोले, आर के बारे में कुछ ना बोले, तो आप लोग ये काम करेंगे, ये वाला काम करेंगे, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते सभा, हमेशा इंडिविजुअल आएंगे नीचे, रिपीटेशन क्यों लगाऊंगा मारो, जब तक विद रिपीटेशन मुंह से नहीं बोलता तब तक मैं अप्लाई नहीं करूंगा, सही है।
क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करूं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाए? आओ सर खेलो। सवाल आप लोगों की स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। बिल्कुल अपान भाई, क्वेश्चन जरा सॉल्व करिएगा। एक मिनट माइक को अपना म्यूट कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, क्या सीन है इसका, इसका आंसर क्या आ रहा है? सबा वेरी गुड बेटा, परम्यूटेशन का है, बिल्कुल परम्यूटेशन का है जवेरिया। फराज वेरी गुड बच्चे। मुजम्मिल नहीं बेटा, गलत बंट मारा है कुछ। क्या ये आइडेंटिकल वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है यहाँ पे? क्या है, क्या आइडेंटिकल वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है? यस सर, किस वर्ड से आप लोगों ने पहचाना कि सर ये आइडेंटिकल वाला ही है? ये देखो, लाइन, स्ट्रेट लाइन, इफ वन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रीज ऑफ सेम काइंड। सर इस तरीके से लगाओ कि स्ट्रॉबेरीज, मैंगो और वॉलनट की ट्रीज पहचान नहीं हो किसी को, इसका मतलब सब आइडेंटिकल हो जाएंगी, है ना? इसका मतलब सारी की सारी ट्रीज क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल ट्रीज हो जाएंगी स्ट्रेट लाइन में। जवेरिया सवाल क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज 3 मैंगोस, 4 स्ट्रॉबेरीज एंड 2 वॉलनट ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन अ स्ट्रेट लाइन इफ वन डज नॉट, कोई भी जो है वो डिस्टिंग्विश पहचान नहीं सकता बिटवीन द ट्रीज ऑफ सेम काइंड के। सर कौन सी ट्रीज स्ट्रॉबेरी की है, कौन सी ट्रीज वॉलनट की है? इसका मतलब आइडेंटिकल लगेंगी जब स्ट्रेट लाइन में लाइनअप होंगी तो। ओ ऐसा, बिलाल वेरी गुड बेटा। तो इस केस में क्या करोगे कि स्ट्रॉबेरीज की ट्री कितनी है, 3, मैंगो की कितनी है 3 और वॉलनट की कितनी है 2, तो टोटल कितनी हो गई 9। इसका मतलब सर परम्यूटेशन इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में बेटा क्या आएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल ऐसा। तो बेटा पी कितना बनता है, 1260 वेज ऐसा। हाँ भाई यही सीन है। अफान वेरी गुड भाई, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने कंफर्म किया, पेपर में नजर आया था उसको ये क्वेश्चन। क्या मैं आगे मूव ऑन कर जाऊं शावर? चलो जी, मैं आप लोगों को नया क्वेश्चन देता हूं और उसको सॉल्व करो आप लोग, सही है ना, फिर बात करते हैं। हमारी क्लास का लास्ट सवाल, जी भाई, क्या मैंने आपको वर्ड्स वाली करनी सिखाई है ना?
चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। भाई सॉल्व करें, सॉल्व करें। बुक का तो करवा चुका हूं मैं आप लोगों को, पहले 12 का 12 दोबारा करवा। 12 है जवेरिया, 12 कहां से आ गया? फाइव फैक्टोरियल नहीं आएगा लल्लू, सबा बी का कह रही है 120, सबा पता नहीं, देखते हैं अभी। सबका अलग अलग निकालना है ना, तुम क्या चाहते हो? मैं हाउ मैनी वेस्ट करके कीपर लिखता, फिर हाउ मैनी वेस्ट करके स्टेटिस्टिक लिखता। मैंने एबीसी कर दिया ना यार, क्योंकि बेटा मुझे खुद करनी पड़ती है टाइपिंग, इस वजह से। फिर वही होगा, मैं भी दूसरों का मैनुअल यूज करूंगा, बदनाम हो जाऊंगा। पढ़ा हुआ कह रहा है सर, मैंने 1200 रुपये का मैनुअल खरीदा था, खोला तक नहीं मैंने। जी भाई चलो भाई चलो, शाबाश कर लीजिए। अफान अभी चेक करते हैं बेटा, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व करूंगा, मैंने भी सॉल्व नहीं किया हुआ। आप लोग सॉल्व कर लें, फिर मुझे मौका देगा, फिर अब देखते हैं कि किसका आंसर सही है। बिलाल बशीर, बिलाल तुम वो सुफियान वाले हो? बिलाल सुफियान वाले हो? ये बिलाल बशीर कोई और है भाई, है हाँ ये कोई और है भाई। अच्छा मैं बिलाल और सुफियान दो कजन है, इसीलिए मैंने पूछा कि तुम सुफियान वाले हो क्या। हाँ जी चलो भाई आओ, बुक का तो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। कीपर, कीपर में कितने वर्षे कुल टोटल, के कितनी दफा है बेटा? एक दफा। ई कितनी दफा है? तीन दफा। पी कितनी दफा है? एक दफा। और आर कितनी दफा बेटा? एक दफा। टोटल कितने बनते हैं? सिक्स। इसका मतलब परम्यूटेशन इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, ऐसा। तो परम्यूटेशन बच्चों कितनी बनती है? 23 बनती होगी शायद, कुछ कितनी बन रही है? 120 बन रही है, 120 आ रही है। ओके ये लो 120 वेज, बच्चा पार्टी कह रहा सर 120 वेज। ठीक है सर, सेकंड पे स्टेटिस्टिक्स, TATISTICS, एस कितनी दफा है? दो दफा। टी कितनी दफा है? तीन दफा। ए कितनी दफा है? ए
एक दफा, आई कितनी दफा है? दो दफा। एस कितनी दफा है? दो दफा। आई हो गया, टी हो गया, सी कितनी दफा है? एक दफा। ऐसा तो टोटल कितने हो गए? बल्कि एस दो बार गिन लिया ना मैंने, एस तीन बार है, एस तीन है। कितना बनता है बेटा, कितना बनता है टोटल, कितना बनता है? अरे बोलो, अरे इसका टोटल बोलो, इसका टोटल 10। इसका मतलब सर परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। कितना बनता है बेटा परम्यूटेशन? 50400 वेज। बिल्कुल, वेरी गुड। सब चीते हुए हैं, वार्म अप हो गए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर परम्यूटेशन आ गया, PERMUTATION, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में बेटा मैं करवाऊं या कर लोगे तुम लोग? भाई परम्यूटेशन का मुझे डायरेक्ट बता दो कितना आ रहा था। परम्यूटेशन का बेटा कितना आ रहा था बता रहा हूँ, परम्यूटेशन का भी निकाल लो, कॉम्बिनेशन का भी निकाल लो, डायरेक्ट मुझे बता दो। नवीद, ये किसका है बेटा, परम्यूटेशन का है? 1995840, अल्लाह माफ करे। ओके, ये डीडी कौन आ गया भाई? भाई चेक कर लो, यही आ रहा है क्या? चेक कर लो, यही है क्या? चेक कर लो बच्चे लोग, जी भाई हाँ भाई वेरीफाई करो, यही सवाल, यही आंसर है। यस, ओके ओके की रिपोर्ट है भाई। हाँ भाई ऑनेस्टली बताओ, मजा आया आज की क्लास में? हाँ भाई मजा आया, कॉन्सेप्ट तुम लोगों के क्लियर हुए क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम लोगों के? परम्यूटेशन बस हल गई सर, किस तरीके से करोगे आइडेंटिकल चीजों की भी और बाय डिफॉल्ट की भी। बाय डिफॉल्ट चलो मैंने करवा दिया, कल विद रिप्लेसमेंट वाले केस भी मैं करवा दूंगा परम्यूटेशन के अंदर। उसामा रोजाना बोझ हल्का करेंगे बेटा, कि क्यूटी पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ मेरा साथ दो क्यूटी मैं पास करवाऊंगा तुम लोगों का। सेट हो गया? बिल्कुल फराज, जबरदस्त। चलो बेटा फिर इंशाअल्लाह कल सुबह हमारी क्लास है 10 बजे से 12:30 बजे तक, सही है? फिर सुबह संडे को मिलेंगे ना, फिर 4 घंटे की क्लास में, संडे को 4 घंटे की होगी ना, 11 से 3, ठीक है? चलो फिर अल्लाह हाफिज, कल की क्लास में मिलते हैं बच्चों।